Really, the BRU has done such a stupendous and stellar work. For this also, I would like to commend Honorable Defence Minister. Honorable members, I happen to be from Sainik Kochi Thodgarh, and I keep on meeting several three-star generals, admirals. There is upbeat mood. The Honorable Raksha Mantri's contribution is so impactful, so massive, making the nation proud. And I'm so glad you took time again and reflected on this. Sri Kamakhya Prasad. Thank you, sir. Mera ko bolne ka avsar diya. Main Inter Services Organization Command Control and Discipline Bill 2023 par bol raha hoon aur main is support pe khada hoon. Main Honorable Raksha Mantri Sri Rajnath Singh ji ko dhanyavaad deta hoon kya ye jo Interdisciplinary Services Organization Command Bill laya इसके लिए वो बहुत दिन से सोच भी रहा था और अभी वास्तव में आ रहा है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टाइम पे ये हम लोग का जो सम्मान था, ये सम्मान पूरा वर्ल्ड में बढ़ा है. केवल पॉलिटिक्स में नहीं, पूरा ऑल साइड स्क्वायर साइड में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर में ये बढ़ा है और उसमें ऑनरेबल राजनाथ जी का बहुत बड़ा एक रोल भी रखा है. सर, हम लोग जानते हैं कि आज टाइम का हिसाब से जैसे डिफेंस सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो सराहनीय है. और अभी हम लोग जानते हैं कि आज जैसे डिफेंसिव एक मूड में रहता है कंट्री, अभी एक ऑफेंसिव मूड में भी आया है और विभिन्न समय में इसको हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं. CDS जो पोस्ट था, ये CDS क्रिएट हुआ है. CDS क्रिएट होने के बाद इंटर डिसिप्लिनरी सर्विस में भी तो एक आर्मी, नेवी एंड मिलिट्री में एक जो तालमेल है, ये तालमेल बहुत सुंदर हुआ है, हम लोग को देखने मिला है. और टाइम का हिसाब से थिएटर कमांड का भी जो थ्योरी अभी वास्तव में हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं. सर, मैं डिफेंस कमेटी में रहते हुए देखा डिफेंस सेक्टर में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया है ये किसी टाइम से सबसे ज़्यादा है. ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो थ्योरी है, ये आत्मनिर्भर भारत थ्योरी को वास्तव में रूपायित करते हुए मिसाइल हो या बंदूकें हो या तोपे हो, इसमें जो चेंजेस लाया है और तीनों सर्विस में एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री में जो तालमेल, आपसी तालमेल है, इसको जितने बढ़ाने का काम किया है, मैं रक्षा मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं. और देख रहा हूं क्या तीनों सेना, तीनों फोर्सेस में एक अच्छा सा तालमेल होने के बाद ये ऑफेंसिव से डिफेंसिव से ऑफेंसिव, जैसे रक्षा मंत्री जी विभिन्न मीटिंग में सेमिनार में भी बोलते हैं, इसमें बोला है, इसको वास्तव में कार्यों के नियुक्त हुआ है. और अभी जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन आया है, इसमें खाली डिसिप्लिन का मैं तो चाहता, मैं जितना दिन हम लोग देखा है ये तो डिसिप्लिन है, फिर भी इसमें इंटर सर्विस में इनका जो तालमेल है इसको रखने के लिए जो बिल का प्रावधान क्या है, ये मैं चाहता हूँ तीनों बिल से थोड़ा अलग तो नहीं है लेकिन तीनों बिल को समाहित करके ये लाया है. और कमांड में जो आर्मी कमांड है, आर्मी कमांड का आर्मी का ऊपर में भरोसा और ज़्यादा बढ़े इसका भी व्यवस्था किया है. ऐसे उनका रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने पूरा बोल ही दिया. मैं चाहता हूँ क्या इन फ्यूचर जैसे आत्मनिर्भर भारत क्या है, डिफेंस में हो या एयरफोर्स में हो या मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में जो किया है ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अब भारत का भी जो सामान वह इंडिया में ही बन रहा है, जो अलग है, जो नहीं मिलता है वो बता लगे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था वो डिफेंस मिनिस्टर ने लाया. और यंग ऑफिसर्स के बीच में इनका जो कॉन्फिडेंस है मैं देख रहा हूँ. और चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल बढ़ाने का भी व्यवस्था किया है, ये स्कूलिंग टाइम से सैनिक स्कूल का जो चिंतन है और इसका स्टेज में और ज़्यादा बढ़ाने का जो व्यवस्था किया है, मैं रक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूँ. क्या फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज आदमी को इसमें इसका ऊपर में भरोसा भी होगा. और जो अभी विभिन्न हम लोग का स्टेट्स में हो या जो फोकस कर रहे हैं आर्मी का ऊपर में, ये भी अच्छा है. इंटर स्टेट इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा बिल में इसका विस्तृत विवरण है, इसलिए मैं बिल पे नहीं जा रहा हूँ. इसका थीम में स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस, और इसमें रक्षा मंत्री जी ने बोला है, सर ये बात है क्या आर्मी का मन में जो आर्मी का फोर्स का ऊपर में जो भरोसा था वो भरोसा बढ़ा है. और इंटर सर्विस इसमें इनका इंटर सर्विस तीनों फोर्स में जैसा इनका मानसिकता है इसको चेंज हो जाएगा और फ्यूचर में एक सबसे बड़ा
सबसे विश्व गुरु जैसे बन रहे, सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स में रूपांतर होगा, विश्वास करता हूँ। थैंक यू सर। श्री राजनाथ सिंह टू रिप्लाई द डिस्कशन।